भारत का जो सनातन विचार है, सोच है, केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी, औरों के लिए भी, अपने देश के लिए भी, और जरूरत पड़े तो दुनिया के लिए भी, वसुधैव कुटुंबकम अपना मूल भाव है। सारी दुनिया ही एक परिवार है। वैसे तो और गहराई में जाओ तो हमारे देश ने आज ही हजारों साल पहले कहा है, एक ही चेतना, समस्त जड़ एवं चेतन में अनिश्चित है, एक ही चेतना। चेतन में केवल मनुष्य को नहीं माना, मनुष्यों के साथ पशु पक्षी कीट पतंगे वो भी सम्मिलित किया, और इससे नहीं और भी आगे अगर चेतना बढ़ी है तो कहा है कि वो तो नदियों में, समुद्रों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, सब में एक ही चेतना है, मतलब एक ही चेतना के अंग है हम सब। और कुल मिला के अगर हम सेवा का काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, तो प्रकार अंतर से अपने लिए ही काम करते हैं, और जीना उन्हीं का सार्थक है। मैं आपके काम सुन के, देख के, सुना पहले भी था, कोविड के दौरान भी आपने जो काम किया है वो अभिनंदनीय है। मध्य प्रदेश में भी आपने कंसंट्रेटर ऑक्सीजन प्लांट उसकी व्यवस्था की है। मैं ये चाहता हूँ कि सेवा इंटरनेशनल मध्य प्रदेश में अपने कार्य को और अपनी उपस्थिति को और बढ़ाए। कई तरह की हमारे प्रकल्प चल रहे हैं, विस्तार से बताने का भी समय नहीं है। मैं निश्चित तौर पर सेवा इंटरनेशनल को उन सब के साथ जिसमें ऐसे चीज भी है, विशेषकर महिलाओं के, बहनों के, उनसे भी मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड मिस्टर एरिक सुरहायम, रिस्पेक्टेड श्री वी श्रीनिवास, रिस्पेक्टेड मिस्टर शोम बिशार, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन AIGGPA श्री सचिन चतुर्वेदी एंड रिस्पेक्टेड CEO AIGGPA श्रीमती जीवी रश्मि, now we request respected CEO AIGGPA Srimati J.V. Rashmi and respected additional CEO Shri Lokesh Sharma to welcome our honorable guests. अतिथि देवो भव, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने हेतु हम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती जीवी रश्मि जी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री लोकेश शर्मा जी से अनुरोध करते हैं। माननीय श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी, माननीय श्री माधवराव सिंधिया जी, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम जी, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। नाउ वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल वाइस चेयरमैन ऑफ AIGGPA प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी।
दिल को दिमाग के मातहती काम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी दिमाग को चाहिए कि उसे छुट्टी भी दे। और शायद इसी बात को लेकर के 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक मंत्र दिया था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। और मेरा 7-8 वर्षों के इस अनुभव में जो मैंने सीखा है उसमें एक बात ये भी ध्यान में आई कि जो ऐसा नियम जिसकी बार बार शिकायत आए, जो बार बार ग्रीवेंस के सेल में दर्ज हो, उसका अर्थ यह है कि शायद उस नियम में कोई कमी है, उस शिकायतकर्ता में कमी नहीं। और इसी सीख के ऊपर अमल करते हुए पिछले 8 वर्षों में हमने लगभग 150 क्षमा कीजिए लगभग 1500 नियम पुराने खारिज कर डाले। और आपको स्मरण होगा सरकार बनने के बाद, क्योंकि शपथ ग्रहण हुआ था 26 मई 2014, उसके तुरंत 3 महीने के भीतर सितंबर अक्टूबर पहुंचते पहुंचते हमने एक अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी कुरीति कि गेस्टेड अफसर से अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट अटैच करवाने। अब जब जिस प्रपेक्ष से हम आते हैं, मेरे जैसे लोग जो जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ जब हम 9वीं 10वीं कक्षा में पहुँचते थे हमें कहा जाता था गेस्टेड अफसर से हस्ताक्षर कराओ, तो हमें ये नहीं समझ आता था कि वो उपलब्ध कहाँ होगा, वो कैसा प्राणी होगा, उसके 2 नाक होंगे, 4 कहीं कोई गेस्टेड अफसर देखा ही नहीं था, किलोमीटर दूर तक, कई मीलों तक, कोसों तक कोई तहसीलदार नहीं होता। और 11वीं कक्षा में स्वयं दीजिए मैं ही आपका काम कर दूंगा, वो 5 रुपये भी हमारे जेब में नहीं थे, किसी और ने दिए। तो जब हमने ये बात रखी तो प्रधानमंत्री जी ने सुशासन को लेकर के हर जो हमने क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं उसमें उन्होंने हमें सदा हमारा हौसला बढ़ाया। और ये हमने नियम समाप्त किया और देश को ये संदेश दिया कि अब एक ऐसी सरकार आ गई है जिसमें इतना हौसला है, इतनी क्षमता है कि अपने देश के नौजवान पर विश्वास कर सके। रिटर्न में 100 अंक लेते, इंटरव्यू में फेल कर दिए जाते थे। जो कलेक्टर के घर में नौकरी करता उसको नौकरी मिल जाती थी। मैंने जब ये साथ किया तो मैंने कहा एक मुझे क्षमा याचना करनी होगी अपने अधिकारियों से, अब उन्हें डोमेस्टिक हेल्प ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि पहले इसी लाले से लोग आया करते। तो कहने का तात्पर्य है कि वो ऐसे नियम जो, क्योंकि आखिरी कार्य यदि लक्ष्य ये है टू ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड लिटमस टेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज दैट इट ब्रिंग्स ईज ऑफ लिविंग इन दी लाइफ ऑफ अ कॉमन सिटीजन, तो उससे लाभ ये रहता है कि जो यहाँ की प्राथमिकता है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो वहाँ लेकर के जाते हैं। और राज्यों को जिस तरह से केंद्र के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री जी सदा जिस पर बल देते हैं उसमें भी हमें एक सहयोग मिलता है यही अधिकारीगण। और कोविड काल में इन्होंने जिस प्रकार अपनी परफॉर्मेंस दी उससे ये सिद्ध हो गया। और अभी हाल ही में हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स तक पहुंचने का कार्य शुरू किया है, कुछ एक प्रदेशों में हो गया है, मध्य प्रदेश में कार्य जारी था, उसी बीच ये एक जो आज दस्तावेज निकला है इसका बहुत लाभ रहेगा। और शीघ्र ही एक हम मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के उनकी सुविधा अनुसार एक वहाँ पर भी कार्यशाला आयोजित करने का ऐसे विचार कर रहे हैं, ऐसी योजना है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिजिटल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन, देयर आर सो मच पॉजिटिव इन दिस रिपोर्ट। And I was also really encouraged when I heard that you are working closely with probably the 2 most successful nations on planet Earth. Where was Singapore? Where was South Korea in the 1950s? Nowhere. With hard and smart work, these 2 countries moved from among the poorest nations on the planet into becoming among the richest and most successful. So please, Ambassador Singapore, take pride in what you have achieved in Singapore. And please share your experience with India. And of course, India can also teach you quite a lot of lessons which should be interesting for Singapore. But we are at the crossroads of development. The old development model is defunct, and we all know it. The old model was, first you prioritize economy, you move fast on economy, you pollute like hell,
And when you become rich, you start sorting out the problems you have committed. That was the old model. The good news is, of course, that the 21st century is about the new model, which is so much promoted by no other than Prime Minister Modi. And that is the win-win model, not the win-lose, not the choice between economy and ecology. Of course, India needs to develop. Of course, India needs a better economy. But now it can happen without destruction of nature. You can have the win-win solution, creating jobs, expanding the economy, providing for people's health, and protecting Mother Earth with the same policies. Tonight, for this important event, especially, including diplomatic community, and especially the young ambassadors that have been mentioned, it's a great honor to be here on behalf of the United Nations in India, the UN team in India. I had the actual honor to visit Bhopal and undertake a visit to Madhya Pradesh as my very first official trip outside of Delhi, being a brand new arrival here in India just a bit over four and a half months ago. And I wanted to say that it was so poetic for that to be my first trip, having grown up myself in the US in the state of Kansas, which is known as the heart of America, to visit the heart of India. And for one, wheat and soya producing leader state, having grown up spending much time on the farms to visiting another, and I had the great honor to chat a bit with the Honorable Chief Minister about good practice, good farming practices as well, and learning quite a lot. So I just wanted to say that in my short time here in India, I have been incredibly inspired by the diversity and by the models of governance and the scaled efforts of leaving no one behind, demonstrated, of course, by the Union government, but also by the state governments. And I think, as was mentioned, that when we speak about the Sustainable Development Goals, the global goals, we cannot underestimate the importance of India. And in fact, it's been said that perhaps something like 40%, maybe even 50% of the global goals rely on India's leadership and India's success, and that is state by state. And when we think about the scale, it's really incredible. I mean, Madhya Pradesh would be, if it were a country, would be the 20th largest country in the world by population, larger than France and